IPL 2020 की नीलामी में IPL की सभी टीमों ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मेन और बैकअप खिलाड़ी खरीदे हैं और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में हम आपको IPL की आठों टीमों के बैकअप कैप्टेंस के नाम बताने वाले हैं। सबसे पहले YouTube पर इस तरह की वीडियो आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों आप भी MCP क्रिकेट फैमिली और IPL फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलिए फटाफट इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए। CSK के पास मेन कैप्टन के रूप में महेंद्र सिंह धोनी है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन अगर धोनी कप्तानी नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, तो इनके पास बैकअप के रूप में जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, इनके जो बैकअप कप्तान रहेंगे चेन्नई के, वो फाफ डू प्लेसिस रहने वाले हैं, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम की कप्तानी कर चुके हैं। हाँ, इनके पास वाइस कैप्टन के विकल्प के रूप में सुरेश रैना होंगे, रविंद्र जडेजा भी है इनके पास, ड्वेन ब्रावो भी इनके पास है, लेकिन जो मुख्य इनके बैकअप कप्तान है वो फाफ डू प्लेसिस ही रहने वाले हैं। चेन्नई के बाद चलिए फ्लाइट पकड़ते हैं हम बेंगलोर की। अगर हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो RCB की टीम के जो मेन कप्तान है वो विराट कोहली रहेंगे, जो कि कंफर्म्ड है। लेकिन बैकअप कैप्टन के रूप में इन्होंने इस नीलामी में एरन फिंच को खरीद लिया है। हाँ, इनके पास AB डिविलियर्स है, लेकिन AB डिविलियर्स लंबे अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और उनका मन नहीं है कि वो किसी भी तरह से लीडरशिप रोल में आए। इसीलिए ये ऑल थर्ड कन्फर्म है कि इनकी जो बैकअप कप्तानी करेंगे, बैकअप कैप्टन रहेंगे इनके, वो रहेंगे एरन फिंच। चलिए दोस्तों बेंगलोर से अब हटते हैं और चलते हैं मुंबई की तरफ। अगर हम मुंबई इंडियंस की टीम की बात करें, मुंबई के पास भी अच्छे खासे कैप्टन्स की फौज है। मेन कप्तान तो कंफर्म है, रोहित शर्मा रहने वाले हैं। इनके जो वाइस कैप्टन है वो क्विंटन डी कॉक है और इनके जो बैकअप कैप्टन है वो भी क्विंटन डी कॉक है और कायरन पोलार्ड है। तो इनके पास कप्तानों की कमी बिल्कुल नहीं है। पोलार्ड भी बैकअप पे रहेंगे, सबसे बड़े बैकअप क्विंटन डी कॉक है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका की नेशनल T20 ODI टीम्स के लिमिटेड ओवर टीम के कप्तान है और यही फायदा मुंबई को मिलेगा। मुंबई से अब सीधे चलते हैं हम हैदराबाद की तरफ। सनराइजर्स हैदराबाद के मेन कैप्टन है केन विलियमसन। 2016 में जब हैदराबाद की टीम जीती थी तब इनके जो मुख्य कप्तान थे वो डेविड वार्नर थे और इस बार इनके बैकअप कैप्टन रहेंगे डेविड वार्नर। हालांकि इनके वाइस कैप्टन भुवनेश्वर कुमार है, लेकिन अगर हम बैकअप कप्तान की बात करें, क्योंकि एट द एंड आपको बैकअप चुनना ही पड़ेगा, वो डेविड वार्नर ही रहेंगे। भुवनेश्वर कुमार में वो बात नहीं दिखेगी, वो अच्छे गेंदबाज है, कप्तान नहीं। चलिए दोस्तों हम नॉर्थ इंडिया की तरफ चलते हैं और सबसे ऊपर पहाड़ों की तरफ पंजाब में। किंग्स इलेवन पंजाब के मेन कैप्टन रहेंगे KL राहुल और बहुत ज्यादा सोचने के बाद इन्होंने मुख्य कप्तान KL राहुल को बना दिया, लेकिन बैकअप कप्तान के रूप में अभी भी दुविधा है। मेरे हिसाब से इनके जो बैकअप कप्तान है वो ग्लेन मैक्सवेल ही रहने वाले हैं। मैक्सवेल पहले भी IPL की कुछ टीमों के और स्पेशली पंजाब के कप्तान रह चुके हैं और इस बार ग्लेन मैक्सवेल इनके बैकअप कप्तान होंगे, ऑल थॉट कन्फर्म। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, भारतीय विकल्प बहुत ज्यादा है। मेन कैप्टन इनके पास है श्रेयस अय्यर, वहां पर किसी को कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अगर हम बैकअप की बात करें, इनके पास पृथ्वी शॉ भी है जो अंडर 19 में कर चुके हैं, इनके पास ऋषभ पंत भी है, इनके पास अजिंक्य रहाणे भी, इनके पास आर अश्विन भी, इनके पास शिखर धवन भी है। मेरे हिसाब से इनके जो बैकअप कप्तान रहेंगे वो अजिंक्य रहाणे रहने वाले हैं और अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी का रोल बखूबी IPL में निभाया, उनके पास अनुभव भी है, तो यहाँ पर ये बैकअप का रोल तो बहुत इजीली निभा लेंगे, मुश्किल से एक दो मैचों में इन्हें मौका मिलेगा। दिल्ली के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में बड़े फेरबदल हुए थे नीलामी में, लेकिन मेन कप्तान जो है वो इनके कैप्टन जो है वो कन्फर्म है। इनके पास स्टीव स्मिथ है जो कि इनके मुख्य कप्तान की भूमिका निभाएंगे, लेकिन बैकअप के रूप में विकल्पों की कमी है। इन्हें संजू सैमसन की तरफ देखना पड़ेगा, रॉबिन उथप्पा की तरफ देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जॉस बटलर एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं अगर हम बैकअप कैप्टन की बात करें। तो मुझे जहां तक लग रहा है स्टीव स्मिथ इनके मेन कैप्टन होंगे और बैकअप के रूप में ये जॉस बटलर की तरफ जरूर देखें। दोस्तों फाइनली आठवें स्थान पर अब हम बात कर लेते हैं KKR की टीम की। KKR के पास विकल्पों की कमी नहीं है, क्योंकि इनके पास मुख्य कप्तान के रूप में दिनेश कार्तिक है जो पिछले साल भी इनके कप्तान थे, लेकिन इन्होंने बैकअप नीलामी में पहले ही खरीद के रखा है। ये ऑल थॉट कंफर्म है कि ओवेन मॉर्गन इनका बैकअप रहेंगे और जहां तक मुझे यहां से लग रहा है कि ज्यादा मैचेस दिनेश कार्तिक कप्तानी करेंगे नहीं, स्टार्टिंग के कुछ मैचेस करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ओवेन मॉर्गन इनकी कप्तानी करते हुए देखेंगे। तो इनके बैकअप, इनके वाइस कैप्टन सभी ओवेन मॉर्गन रहेंगे और इस IPL के बाद, नीलामी तो खैर गुजर गई, IPL के बाद ऐसा हो सकता है कि KKR के मेन कैप्टन ओवेन मॉर्गन बन जाए और दिनेश कार्तिक बैकअप बन जाए। तो ये थी भाई IPL की आठों टीमों और इनके बैकअप कप्तानों के नाम, मतलब वो कैप्टन्स
जो कि बहुत दुविधा वाली स्थिति में इन टीमों की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इन सभी में से किस टीम के पास सबसे अच्छे बैकअप कप्तान है। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, तो अपने IPL का दिमाग कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।